शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पवन गुप्ता का रविवार को निधन हो गया। पिछले दो दिनों से वे चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में उपचाराधीन थे। बता दें कि पवन गुप्ता न केवल भाजपा नेता थे बल्कि एक बड़े समाज सेवी भी थे। उनके निधन से सोलन शहर में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार करीब दो तीन दिन पहले उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया, वहीं उनका निधन हो गया। बता दें कि पवन गुप्ता द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्हें पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का करीबी माना जाता है। उन्होंने करीब 40 साल से भाजपा पार्टी के लिए काम किया। शिमला संसदीय क्षेत्र में पवन गुप्ता भाजपा के लिए एक बड़ा नाम था। कोई भी बड़ी रैली सोलन में करवानी होती तो उसके लिए पवन गुप्ता को सबसे पहले भाजपा हाईकमान द्वारा चुना जाता था, लेकिन उनके निधन के बाद अब भाजपा के साथ साथ पूरे शहर में शोक की लहर छा चुकी है। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि पवन गुप्ता का निधन भाजपा के लिए एक पुण्य क्षति है। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा से ही वह और पवन गुप्ता क्लासमेट रहे हैं और राजनीति के सफर की शुरुआत भी उन दोनों ने एक साथ ही की थी। उन्होंने पवन गुप्ता के निधन पर शोक प्रकट किया है।